नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का रॉज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, एक बहुत बड़ा विवाद हम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कई बार बाबरी 2.0 की संज्ञा भी यहाँ पर दी जा रही है। हम बात करने वाले हैं सांभल की। उत्तर प्रदेश के सांभल में रिसेंटली यहाँ पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए यहाँ पर आदेश दिया गया, और उसके बाद जो विवाद यहाँ पर करवाया, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ठीक है, केवल और केवल पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अगर मैं आपको बात करूं तो उत्तर प्रदेश, इस समय उत्तर प्रदेश का जो सामल है ये आग में धधक रहा है, और इसका जो केंद्र बिंदु है ये यहाँ पर एक मस्जिद हमें देखने के लिए मिल रही है, जिसे माना जा रहा है कि ये हरिहर टेम्पल है। इस हरिहर टेम्पल को तोड़कर ही यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको मेरे पीछे एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये है शाही जामा मस्जिद। हम शाही जामा मस्जिद के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसी को लेकर यहाँ पर पूरा विवाद गरमाया हुआ है। अब देखिए, 1529 में ऐसा दावा किया जा रहा है, कुछ याचिकाकर्ता कुछ पिटिशनर है जिन्होंने ये बोला कि देखिए 1529 में जब यहाँ पर बाबर आया 1526 के बाद, तब उसने यहाँ पर हरिहर मंदिर को तोड़ा, और इस हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर ये मस्जिद बनवाई गई है, जिसे शाही जामा मस्जिद यहाँ पर कहा जा रहा है। ये वही स्थान है। अभी हम समझेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पर भगवान का जो आने वाला, भगवान विष्णु का जो आने वाला 10वां अवतार है, जो यहाँ पर फाइनल अवतार हम कह सकते हैं, भगवान कल्कि का जो अवतार है, वो यहीं पर देवदत्त नाम के घोड़े पर आएगा, ऐसा यहाँ पर दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि देखिए, चूंकि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, चूंकि इसे आप 1991 एक्ट के अंतर्गत लेके आए हैं, ऐसे में हमें भी अधिकार है कि अगर इसका संबंध यहाँ पर हमारे धर्म से है तो हमें भी वर्शिपिंग अलाउ की जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोकल कोर्ट है, इसने आदेश दे दिया कि देखिए आप जाइए यहाँ पर, और ASI को बोला कि आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कीजिए। और इसी को लेकर 19 और 24 नवंबर को यहाँ पर सर्वेक्षण हुआ, और जैसे ही सर्वेक्षण यहाँ पर होना शुरू हुआ, इसके बाद जो यहाँ पर यूपी के सांभल की कंडीशन थी, वो आप सभी ने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पे देखी होगी, न्यूज चैनल्स में आपने यहां पर देखा होगा कि पूरी जगह यहां पर आग लगा दी गई है, पूरा का पूरा जो सांभल है वो इस समय जल रहा है। अब यहां पर पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो देखिए, पक्ष का बोलना है कि देखिए यहां पर मस्जिद जो है इसको, हरिहर टेम्पल को तोड़कर बनाया गया है। वहीं अगर हम विरोधी पक्ष की बात करें तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो मस्जिद है ये यहां पर पहले से है, ठीक है, और ये जो भी आप दावा कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं किया जा रहा है। अब हालांकि जो भी फाइनल वर्डिक्ट है ये यहां पर बाद में देखना होगा। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए जब भी हम टेंपल्स के बारे में यहां पर बात करते हैं तो आपको पता होगा बाबर का जो भारत में आगमन है, ये शाहगाजी की उपाधि लेकर आए थे। और आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति शाहगाजी की उपाधि लेता है तो वो अपने आप को ये बताना चाह रहा है कि देखिए ना, मैं केवल और केवल रूलर के रूप में यहां पर जा रहा हूं, बल्कि मैं यहां पर धर्म के प्रचारक के रूप में भी जा रहा हूं। और बाबर यहां पर शाहगाजी की उपाधि लेकर जब भारत में शासन करने के लिए आया, उसके बाद बहुत सारे टेंपल्स को यहां पर डिस्ट्रॉय किया गया, और बहुत सारे टेंपल्स के ऊपर हम यहां पर देखेंगे तो मस्जिद या दूसरे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, जिसकी वजह से इस तरीके के जो विवाद हैं ये बार बार यहां पर जन्म लेते हैं। हालांकि जब तक यहां पर कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता, जब तक यहां पर ASI अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकती, तब तक हम ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यहां पर नहीं देंगे कि आखिर ये मस्जिद है या फिर मंदिर है। हम केवल और केवल एक करंट टॉपिक को यहां पर डिस्कस करने वाली है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आखिर हरिहर कौन है, किनके मंदिर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, कल्कि अवतार जो कि भगवान विष्णु के यहाँ पर फाइनल अवतार बोले जाने वाले हैं, और जिनका जन्म यहाँ पर कलयुग में होगा, ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के सांभल में ही एक ब्राह्मण के घर में यहाँ पर इनका जन्म होगा, और ये देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर जितने भी जो भी पाप है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी ये सारी चीज है, इनका यहाँ पर सर्वनाश करेंगे। और इन्हीं को यहाँ पर हरिहर का यहाँ पर नाम दिया गया है, जो कि आपको भगवान शंकर और भगवान विष्णु का एक मिला जुला स्वरूप यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, और कलयुग का यहाँ पर समाप्ति होगी और सतयुग की यहाँ पर शुरुआत होगी। और यही जो टेम्पल है ये यहाँ पर बिल्ड किया गया था, और ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल आज से नहीं, जब से संसार की उत्पत्ति हुई है, जैसे बनारस को माना जाता है कि यहां पर इसका कभी किसी ने जन्म नहीं किया, स्वयं विश्वकर्मा जी ने इसको यहां पर बनाया है। सिमिलर मैनर में ऐसा भी माना जा रहा है कि ये जो हरिहर टेंपल है, लोगों की आस्थाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि ये जो टेंपल है इसका कंस्ट्रक्शन भी स्वयं यहां पर भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया गया है, जहां पर भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार जन्म लेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है ना, इसमें यहां पर एलिजिट किया जा रहा है, यहां पर
आरोप भी यहाँ पर ये बात भी की जा रही है पिटिशनर के द्वारा कि बाबर का जो लेफ्टिनेंट था हिंदू बेग, ठीक है, इसने यहाँ पर पार्शली जो हरिहर टेम्पल है इसको डिमोलिश किया और इसके स्थान पर यहाँ पर बना दिया है मस्जिद को, जिसकी वजह से अब जब लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है तो दे आर आस्किंग कि भाई हमें पब्लिक एक्सेस यहाँ पर दिया जाए ताकि हम जाके देख सकें जितनी भी चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं बाबर के द्वारा, जो यहाँ पर बोर्ड्स बाकी शिलालेख यहाँ पर लगाए गए हैं, अगर हम इसके पीछे जाके देखेंगे तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर मंदिर के प्रमाण देखने के लिए मिलेंगे। और इसी का कारण था कि यहाँ पर जो लोकल कोर्ट है उसने आदेश दे दिया सर्वे करने के लिए और उसके बाद जो यहाँ पर हिंसा हुई वो हम सभी उस बात से परिचित है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए सेक्शन 18 जो है एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट का, आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958, ये यहाँ पर बात कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को पब्लिक एक्सेस है, राइट टू एक्सेस टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, और अगर इसे आप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की संज्ञा दे रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अधिकार है कि वो यहाँ पर पब्लिक एक्सेस पा सकता है। सो पिटिशनर यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखिए हिंदू धर्म के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे में हमें पब्लिक एक्सेस क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो शाही जामा मस्जिद है जैसा मैंने आपको बताया इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रखा गया है अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, और मैंने आपको बताया अगर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो यहाँ पर राइट टू एक्सेस टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी लोगों के पास हो जाता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसको नोटिफाई किया गया है एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1920s। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको लाया ही इसीलिए गया था ताकि किसी भी प्रकार के जो धार्मिक विवाद है इनको यहाँ पर खत्म किया जा सके। और ये वर्शिप एक्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए जो प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्ट करती हैं 1947 के पहले वो वैसी ही रहेंगी और इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और जामा मस्जिद जो है ये भी यहाँ पर सेंचुरीज ओल्ड मॉस्क है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट किया गया है इस एक्ट के अंडर में। अब आपको समझना होगा, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर इस तरीके की बात की जा रही है, इस तरीके का कोई एक्ट हमारे पास था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो यहाँ पर जब हम बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं जिसके स्थान पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अयोध्या मंदिर को यहाँ बनाया गया, श्री राम जन्मभूमि का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, ये कैसे हो गया, तो इसे जानने के लिए आप सभी को समझना होगा इस पर्टिकुलर एक्ट और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस के बारे में। चलिए अगर आप इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो पर्टिकुलर एक्ट लाया गया किसी भी धार्मिक संप्रदाय या किसी भी प्रकार की जो चीज है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, कोई विवाद ना हो, ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए लाया गया है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी पूजा स्थल जैसा था, अगर कोई मस्जिद था मस्जिद रहेगा, कोई मंदिर है मंदिर रहेगा, कोई गिरजाघर है तो उसे गिरजाघर ही माना जाएगा, तो जिसका स्वरूप जैसा है ना उसे ही वैसे ही रहने दिया जाएगा। साथ ही ये बोल रहा है कि इस अधिनियम की शुरुआत में 15 अगस्त 1947 को अगर किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में कोई भी अपील चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कार्यवाही न्यायालय में किसी प्रकार का कोई प्राधिकरण लंबित है, तो यहां पर समझिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर बोली जा रही है, तो ऐसे मामलों में कोई भी वाद अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय अन्य प्राधिकरण में नहीं होगी। लेकिन अगर यह कार्यवाही जो इस आधार पर संस्थित या दाखिल की गई है कि किसी ऐसे स्थान के धार्मिक स्वरूप में 15 अगस्त 1947 के बाद धर्म परिवर्तन हुआ है तो इसके प्रारंभ पर लंबित है, तो ऐसा वाद अपील या कोई भी जो कार्यवाही है उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। विच मीन्स यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो अधिनियम है ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लागू नहीं होगा। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि क्योंकि ये विवाद जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो है ये यहाँ पर ज्ञात स्थल पूजा स्थल या कोई भी ऐसा स्थान है जिसके लिए अपील ऑलरेडी की जा रही है लागू है उस पर इसकी कार्यवाही नहीं मानी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा इस एक्ट में बहुत क्लियर कट तरीके से लिखा गया है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपके पास एक एक्ट है तो क्या निर्णय यहाँ पर कोर्ट लेगी, किस तरीके के आपको पिटीशंस देखने मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें हम या फिर बाकी दूसरे कैला देवी मंदिर का पिटीशन के बारे में भी बात करें तो इस तरीके के बहुत सारे पिटीशंस को यहाँ पर फाइल किया गया है जहाँ पर ये बात की जा रही है कि भाई इसके पहले ये यहाँ पर मंदिर थे जिनको तोड़कर यहाँ पर मॉस्क में कन्वर्ट किया गया है और इसी की वजह से ये पूरा का पूरा विवाद हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि इस पर कोर्ट का क्या डिसीजन होगा ये हमें देखना होगा, इसके पहले हम कोई भी डिसीजन यहाँ पर देने की कोशिश करें। आपको समझना होगा इस तरीके की जो इंसिडेंट होते हैं जब तक इस पर कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अंत में बढ़ने की पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि राउज एकेडमी प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लाया है और इसके लिए आपके लिए राउज एकेडमी ने एक बहुत ही प्यारा ऑफर दिया है जहां पर केवल और केवल 99 रुपए में आपको 37 टेस्ट यहां पर मिलेंगे। लेकिन ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए आपको वैलिड देखने मिलेगा, यानी कि 30 नवंबर को इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो इस पूरे ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप राउज एकेडमी के एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। आप चाहे तो इस सेक्शन का यहां पर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपको फायदा होगा क्यूआर कोड की मदद से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट टुडे एंड वी विल सी यू सून। थैंक यू।